में प्रतिष्ठित है और बिहार को गौरवान्वित करने में मंजूषा कला का मधुबनी पेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। डब्ल्यू सी आर्चर ने इस पेंटिंग को देखा था जब 1934 में जब भूकंप आया था मधुबनी में, डब्ल्यू सी आर्चर ने उसको खोजा था। उस पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी मैथिल पेंटिंग, 1949 में एक पुस्तक लिखी थी डब्ल्यू सी आर्चर ने। उसके पहले उन्होंने लंदन के म्यूजियम में मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया था और तब मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली थी। लेकिन मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल से मानी जाती है। रामचरितमानस में भी आप लोगों ने कोहबर ग्रह की चर्चा रामचरितमानस में भी है कि कोहबर ग्रह को किस तरह से प्राकृतिक रंगों से सजाया गया था। सीता जगत जननी सीता के बारे में भी कहा हुआ था कि वो खुद ही कुशल चित्रकार थी। जब वहाँ से रावण के कैद से छूटकर जब सीता लौटी थी तो उनकी नंदें उनसे चुहल करती थी कि रावण कैसा था, वहाँ का कुंभकर्ण कैसा था। सीता अपने हाथों से चित्र बनाकर सबको दिखाती थी कि रावण का चेहरा कैसा था, कुंभकर्ण कैसे थे, या जितने उस समय के जो वहाँ रावण के परिवार के लोग थे सबका चित्र सीता अपने हाथों से करती थी। मधुबनी पेंटिंग 1964 के अकाल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई। उसके पहले मधुबनी पेंटिंग की अपनी कुछ खूबसूरती थी लेकिन वो मिथिलांचल इलाके तक ही सीमित थी। 1964 के अकाल के बाद जब उस समय के जो राजनेता थे उनके हस्तक्षेप से उपुल जाकर बहुत बड़े शोधकर्ता थे उपुल जाकर भास्कर कुलकर्णी और उपेंद्र महारथी जी, इन तीनों के सहयोग से फिर मधुबनी पेंटिंग को जो उस समय दीवारों पर होती थी हरिपन कोहबर ये सब वहाँ शुरुआत में दीवारों पर काम होता था। तो इन लोगों को लगा कि अगर इसको मार्केट में लाना है तो दीवार से उतार कर कागज़ में लाना होगा। तो इन लोगों के हेल्प से उस समय एक पेंटिंग का बड़ी बड़ी पेंटिंग की एक पेंटिंग का 20 रुपये 10 रुपया पेमेंट दिया जाता था और जो गांव की महिलाओं हैं उनसे कागज़ पर ही उन्होंने पेंटिंग बनवाना शुरू किया था। इस तरह से कागज़ को उतारा गया, फिर कागज़ से कपड़े पर बाद में एक और शैली का विकास हुआ, कचनी शैली, भरनी शैली, उसके अलावा गोदमा शैली का एक विकास हुआ मधुबनी पेंटिंग। संजोग बस ये हमारा सौभाग्य कि गोदमा पेंटिंग के जनक दो आदमी थे, एक चानो देवी और एक सीवन पासवान जी। संजोग से सीवन पासवान जी ने मैं देखा हूँ कि सभागार में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी देता है मधुबनी पेंटिंग, वो भी यहाँ मैं देखा हूँ कि सीवन जी जरा खड़ा हो जाए। सीवन पासवान जी गोदना शैली जो है उसके जनक हैं और यहाँ ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सीवन पासवान जी मधुबनी पेंटिंग के जाने माने कलाकार हैं, तो हम उनके बीच में उपस्थित हैं। तो गोदना शैली के जन्मदाता के रूप में सीवन पासवान जी का भी नाम लिया जाता है। जो गोबर पहले गोबर पेंटिंग कही जाती थी, दलित पेंटिंग कही जाती थी, आज के डेट में वो गोदना शैली के नाम से विख्यात है देश और दुनिया में। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जब मॉरिशस में गए थे वहाँ भी देखा कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में लोगों को काफ़ी जिज्ञासा है और मधुबनी पेंटिंग कर भी रहे थे। हम यहाँ से बउआ देवी यहाँ से हमारे हम लोग के साथ गए थी जो पद्मश्री जी को मिला है, वहाँ कितना आदर है मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग के कलाकारों का विश्व में। वो तो एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ कि जब वहाँ के राष्ट्रपति हम लोग से मिलने आए, मॉरिशस के राष्ट्रपति जब हम लोग से मिलने आए, जब मैंने सभी कलाकारों से परिचय कराना शुरू किया और जब परिचय कराने बउआ देवी का परिचय की बात आई, मैंने कहा कि ये बउआ देवी हैं जो पद्मश्री जिनको हाल में मिला है। राष्ट्रपति साक्षात झुक गए और बउआ देवी का चरण स्तर उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो मिथिला पेंटिंग का सम्मान और उसके आर्टिस्टों का सम्मान किस कदर पूरे विश्व में हम लोग आज देख रहे हैं।
तीसरी पेंटिंग जो बिहार की आज चर्चा में है, पिपली पेंटिंग।